हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज हम बात करेंगे भाई मैथ में, तो मैथ की क्लास हमारी बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि भाई मैथ को मैथ की क्लास कम हो रही है तो मैथ कराते हैं। तो मैथ की क्लास हमारी है आपकी, चाहे सी सेट हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका जितने भी टैट सुपर टैट और जितने भी एस टैट हो गया उनके लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित है, और CGL SSC जो बिहार CGL है स्पेशल उनके लिए है, और जितने भी स्पेशल है आपका चाहे यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस, सभी जहाँ भी मैथ पूछा जाता है वहाँ पे देखो एक प्रैक्टिस सेट समझ लो या क्वेश्चन समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और अच्छे से समझते हुए चलना है और नोट डाउन करते हुए चलना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को लिंक जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके विजिट कर लें तो वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, 3 mixtures containing the milk and the water in the ratio of 5:1 and 2:1 and 3:1 are mixed in ratio of 1:3. The ratio of the milk and water are the resulting is mixture. देख समझ लेते, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ क्वेश्चन है। तो तीन मिश्रण जिसमें जो दूध और पानी 5:1 और 2:1 तथा 3:1 के अनुपात में है, इन्हें जो 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो देख लेते हैं भाई, तो ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, ये मिल्क ये वाटर इस तरह से बना लेंगे, ये 5:1 है, ये 2:1 है, ये 3:1 है, तो इस तरह से ये 5:6, तो इससे फिर जो अनुपात बनाएंगे तो ये टोटल निकल के जो आएगा ना, तो उसमें से कोई सा भी हमारा जो ये है ना 2:1 बन रहा है, ना 3:1 बन रहा है, ना 4:1 बन रहा है, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए मैन लेंट जो 400 rupees एंड द 600 rupees 3 years some rates of the simple interest and recovered only just 90 rupees and the interest what is the rate of the percentage of annual। तो एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर पर सामान्य ब्याज पर 400 rupees और 600 rupees का ब्याज देता है, तो ब्याज के रूप में उसे कुल जो 90 rupees मिलते हैं, तो प्रतिवर्ष जो प्रतिशत ब्याज क्या होगा, तो ये पूछा गया है। तो हमारा वी नो दैट आई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 वही लग रखना फॉर्मूला, तो इससे आ जाएगा 12 जो मुझे 12 आ रहा है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये 18 आर प्लस इजिकल टू हमारा जो 90 rupees, ये 30 आर इजिकल टू 90 और आर इजिकल टू 3%। इसमें देखो ऑप्शन हमारा 1%, 2%, 3% और 4%, तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑयल कॉस्ट ₹100 पर लीटर आफ्टर द अडल्ट्रिंक्स रेटिंग्स ऑफ द अनदर ऑयल्स एट द कॉस्ट ₹500 एंड पर लीटर राम सेल्स द मिक्सचर्स एट द 96 पर लीटर मेकिंग द प्रॉफिट 20% एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिक्स इन टू। तेल का जो लागत है जो 100 rupees प्रति लीटर पड़ती है, इसमें से दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 rupees प्रति लीटर पड़ती है, राम और जो राम इस मिश्रण को जो 96 rupees प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, बेचकर 20 rupees लाभ कमाता है, तो अनुपात में दोनों को क्या मिलता है, तो इस तरह से देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमें 100 और 50, इस तरह से रेशियो बनाएंगे हमारे 80 हो जाएगा, ये 30, तो 3:1 बना जाएगा। तो देखो ऑप्शन ए 1:2, बी ऑप्शन हमारा 1:3, थर्ड सी ऑप्शन हमारा 3:1 और डी ऑप्शन हमारा जो 3:2, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो तभी देखो समझ में आता है। देखो ज्यादा क्वेश्चन हमें करने की है जो हमें पकड़ना है एलिगेशन मेथड से, कि जो हमारे ऑप्शन है उनसे पकड़ने की कोशिश करनी है क्वेश्चनों को, तो ईजिली हो जाएंगे, अदरवाइज बहुत हार्ड पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वन अप ये एक सही 1/2 और जो एक वन प्लस अपॉन जो वन प्लस वन अपॉन वन और अपॉन जो वन अपॉन वन अपॉन जो इस तरह से सीरीज बनेगी, तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए देखो हम जो पहले वन अपॉन वन एक सही 1/2 अपॉन जो दो इसको सोल्व कर लेते हैं और ये टोटल आ जाएगा 2×4/5, तो ये देखो सोल्व करने पर ये आ जाएगा हमारा 15/16, तो ये जो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The geometric means of the two numbers are 8 and they are the harmonic means 6.4. The number r. यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है और ऋणात्मक माध्य 6.4 है, तो संख्या है, तो इसलिए इसका लिए देख लेते हैं। तो अंडर रूट में ab = 8 फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, तो ab = क्या आएगा, इसका हम जो स्क्वायर कर देंगे तो 64, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 यदि ऋणात्मक श्रेणी में है, तो हार्मोनिक श्रेणी में है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/h = 1/a + 1/b/2 इस तरह से आएंगे, तो 1/h = हो जाता है a + b/2ab और h = हो जाएगा 2ab ऊपर चला जाएगा, h निकालना है तो हमें 2ab / a + b, ये 128 /
जो 20, तो इसमें से देखो कौन सा बन रहा है, तो ये हमारा ये नहीं बन रहा, 2 8 नहीं बन रहा, बी हमारा 2 4 16 है, तो ये बन रहा है, तो ये इज द करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन देखो देखने को मिलेगा आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट में अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट में 3 प्लस 8 अंडर रूट में 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसके लिए यहां से पकड़ना स्टार्ट करते हैं, यहां से करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे इसकी आ जाएगी 2 प्लस अंडर रूट 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी, फिर आगे सोल्व करते हैं इसका 19 प्लस 8 अंडर रूट 3, तो इसकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 अंडर रूट 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर है इसका, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स एल एम एन इज माइनस के 9175, विच इज द फॉलोइंग मस्ट द नेगेटिव, एल एम एन तीन पूर्णांक गुणनफल जो माइनस के एक जो 175 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होगा, तो एल एम एन की जो दिया हुआ भी नोट दिया हुआ देखो इसमें गिवन है, तो माइनस के 175, तो एल एम एन अपॉन एन तो इज इक्वल टू 175 अपॉन जो एन इंटू एन लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो देखो ये तो हमेशा क्या आएगा हमारा नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा नीचे वाला, स्क्वायर हो गया इसलिए, तो देखो इसमें से तो पहले देखते हैं कौन सी जो दिया हुआ है ऑप्शन से, तो ए इज इक्वल टू एल माइनस एम माइनस एन, बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी वाली जो ऑप्शन में हमारा एल प्लस एम प्लस एन, और सी जो ऑप्शन दिया हुआ है एल प्लस एम अपॉन एन, और डी है हमारा जो एल एम अपॉन एन, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पाइप ए यूजुअली द फिल्स द टैंक्स टू हावर्स, ए काउंट ऑफ ए लीक्स द बॉटम्स अ टैंक्स इट टेक्स द पाइप्स ऑफ 30 मोर द मिनट्स फिल द टैंक्स, how many long time the leaks the tanks the impetus fills the tanks, pipe is the set the a pipe hai, ek tank ko samanya roop se 2 ghante mein bharta hai aur tank ki jo tali mein ek chhed hone ke karan jo pipe ko tank bhanne mein 30 minute adhik lagte hain, yadi pipe a ko band kar diya jaye to leak hone ke karan tank khali hone mein kitna samay lagega, to ye 5 ho gaya ye ho gaya, to ek bharega hamara 2 hour mein aur 4 ye hamara ho jayega ye a plus h ye hamara 5 upon jo 5.2 h आवर, तो ये आ जाएगा ये माइनस, ये हमारे देखो कम कर रहे हैं ना इसको होल है तो माइनस हो रहा है, तो देखो ए ऑप्शन हमारा 4 आवर, बी ऑप्शन हमारा 6 आवर, सी ऑप्शन हमारा 8 आवर, और डी हमारा जो 10 आवर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इफ द nth टर्म ऑफ द टू सीरीज जो 3 प्लस 10 प्लस 17 प्लस, तो ये आगे तक जा रही है, एंड द 60 जो 63 प्लस 65 प्लस 67 आर द इक्वल, then the value of n, दो सीरीज यदि दो श्रेणियां 3 10 प्लस 17 प्लस इस तरह से दी हुई है, और तथा दूसरी श्रेणी है हमारी जो 63 प्लस 65 प्लस 67 ये प्लस करते हुए n टर्म तक चल रही है, तो n का मान जो फाइंड आउट करना है, तो v दिया हुआ तो गिवन दैट है, देखो इसलिए लगा लेते हैं हम जो a इज इक्वल टू 3 है, ये पहली वाली श्रेणी का देखेंगे, d हम इसमें जो d है हमारा 7 आ जाएगा, तो कितना डिफरेंस कितना आ रहा, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, और 17 माइनस 10 कितना हो जाएगा, कितना कितने का डिफरेंस आएगा 7 का जाएगा, तो ये d इज इक्वल टू हमारा 7 आएगा, तो tn वाला पद जाते हैं इन ऑर्डर, a plus n minus 1 into d फार्मूला लगाया इसमें, तो इसमें क्या जाएगा 3 plus n minus 1 into 63 plus ये निकल के आ जाएगा n minus 2, इसके लिए 63 हो जाएगा, दूसरे के लिए 63, और d इसमें जो कितने का डिफरेंस आ रहा है 65 minus 63 तो 2 आ जाएगा 60, देख लेते हैं हर को चेक करके देख सकते हैं, तो ये हमारा 67 माइनस 65 तो ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 4 देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 प्लस 7 एन माइनस जो 7 इज इक्वल टू 63 प्लस 2 एन माइनस के 2, तो ये हमारा 5 एन आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 63 प्लस जो 3 प्लस 5, तो ये आ जाएगा एन इज इक्वल टू 13, तो ए इज इक्वल टू 9 है, बी जी और बी ऑप्शन हमारा 13 है, सी ऑप्शन हमारा 19 और डी हमारा 29, तो हमारा निकल गया कौन सा आया था भाई 13, तो 13 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर फॉर द थर्सडे द फ्राइडे एंड सैटरडे आर गिवन द 38 डिग्री वेयर एज द एवरेज ऑफ फ्राइडे सैटरडे एंड संडे फॉर द सेम वीक सेम वीक एज द 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर ऑफ द संडे वाज द 40 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन द इन डिग्री ऑन थर्सडे, एक दिए गए सप्ताह में जो बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और औसत तापमान 38 डिग्री है जबकि इसी सप्ताह के शुक्रवार शनिवार और रविवार का औसत जो तापमान जो 39 डिग्री था, तो यदि यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री है तो जो बृहस्पतिवार का तापमान कितने डिग्री होगा, तो ए ऑप्शन हमारा 36 डिग्री, बी ऑप्शन हमारा 37 डिग्री, सी ऑप्शन हमारा 38 डिग्री, डी ऑप्शन हमारा 39 डिग्री,
तो देखो संडे और थर्सडे में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 डिग्री का, और 40 माइनस थर्सडे आएगा 3 डिग्री का, तो थर्सडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 37 डिग्री, इसमें से एक कम हो जाएगा, तो 37 डिग्री इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग द पाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गीता एंड सीता आज द सेम एज, सेम एज एंड द टोटल एज ऑफ द गीता, रीता एंड सीता इज द 88 इयर्स एंड द रीता एज आर द सन ऑफ रीता एंड सीता एज, व्हाट इज द एज ऑफ रीना, समझते हैं। देखो क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित तीन सूचनाओं पर विचार कीजिए, यदि गीता और सीता की आयु बराबर है, और गीता और रीना तथा सीता की आयु जो 88 वर्ष है, रीता की आयु गीता और सीता की आयु के योग के बराबर है, तो रीना की आयु क्या है, तो देखो इस तरह से देखो, ए ऑप्शन हमारा 11, बी ऑप्शन हमारा 22, सी ऑप्शन हमारा 33 और डी ऑप्शन हमारा 44, तो देखो ए मान लिया एक्स है, तो जी जी जो हमारा गीता, जी फॉर गीता ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ऐसी बात नहीं, एस फॉर हमारा जो सीता, एक्स है, और आर है हमारा जो इन दोनों का क्या डबल है, तो ये कितने हो जाएगा 2x, तो 4x is equal to हो जाएगा x plus जो कितना हो जाएगा 4x is equal to 88 total कर लिया, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 22, और हमें रीना की बतानी है, रीना कितना है डबल है, तो 22 का डबल कितना बचा 44, तो 44 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बैग देयर आर द कॉइंस ऑफ द 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा इन द रेशियो 1:2:3 and there are the 30 rupees, then the number of the 5 paisa as coins are, तो एक बैग में जो 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के एक अनुपात, दो अनुपात, तीन के अनुपात में है, यदि इनमें जो 30 रुपए और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात संख्या क्या है ये बताना है, तो देखो इस तरह सोल्व करते हैं, देखो इसके लिए ऑप्शन है हमारा 50 पैसे, बी ऑप्शन हमारा 100 पैसे, सी ऑप्शन हमारा 150 पैसे, और डी ऑप्शन हमारा 200 पैसे, क्योंकि हमें जल्दी से शॉर्ट में क्वेश्चन करना होता है, तो वहाँ से आंसर तो इससे निकालते हैं, तो ये 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे का अनुपात कितना, एक अनुपात, दो अनुपात, तीन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जो देखो इसका कितना हो जाएगा 25, और ये कितना होगा 20, और ये हमारा कितना हो जाएगा 15, 5 से 15, तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिलकर हो जाएगा 60, तो 60 हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ये 3000 ले लेते, 30 का कितना होगा 3000 पैसे हो जाएगा, पैसे में कन्वर्ट करते 1:50 कितना होगा 50, तो ये कितना 50 दिया 150, तो 150 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लॉक गेंस 15 मिनट्स पर डे एंड द सेट ऑफ द राइट फॉर 12 मून एट द 4 o'clock AM एंड द विल शो, एक गतिमान प्रतिदिन जो 15 मिनट की आगे जाती है, एक घड़ी जो घड़ी है आगे चली जाती है 15 मिनट आगे हो जाती है, 12 बजे दोपहर का इसका समय सही मिलाया गया, और ये 4 बजे क्या समय दिखाएगी पूछा गया है, तो इस तरह 4 बजे देखो ये 24 आवर्स में 15 मिनट जाती है, 1 आवर में कितना हो जाएगा 15/24, और जो 16 आवर में जाएगा 15/24 × 16, तो यानी 10 मिनट हो जाएगी, तो 4:10, तो ये हमारा इसी इज द करेक्ट आंसर, 4:10 जो आगे का समय दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, 4 बेल्स रिंग्स इंटरवल्स 3 जो 3, 4, 3, 8, 12, 15 मिनट्स, देयर आर द रिंगिंग स्टार्ट एंड गिविंग द रिंग टू अदर अगेन, 4 घंटे है हमारी 3, 8, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम का बार बार पूछा जाता है, एग्जामिनर का ये बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, वे एक साथ बजने लगे तो फिर भी कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तो एलसीएम निकाल लेंगे तीनों का, इनको चारों का जो दिए हुई है संख्या जितने भी दिए हो सकता है ज्यादा भी दिए उनका भी निकाल लेते हैं, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, ये 3, 8, 12, 15, तो टोटल आ जाएगा 120 निकालेंगे इसका एलसीएम, तो इसमें जो 120 का मतलब हो जाएगा 2 घंटे 60 × 120, तो 2 आवर्स का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन, देयर आर द 5 रेड सोल्स एंड द 5 जो 4 हैंड जो 4 वाइट सोल्स, जो इफ द ड्रॉज द रैंडमली एंड द सोल्स शो देयर आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द शू, तो 5 जो लाल 4 जो है सफेद जूते हैं, यदि देखो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से रैंडमली एक जूता उठाता है तो यह जूता होने की प्रायिकता क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा निकाल लेते हैं, कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो 4c1/9c1 कितने हमारे 4 होते हैं, 4 जो हम निकालने टोटल कितने में से निकालने हैं, 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए, इनमें से एक ही तो चूज करोगे भी, तो 4c1/9c1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9, तो ये हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ द टू टाइप्स कैन बी टाइप द पेज इन द 5 मिनट्स हाउ मेनी द टाइप इट विल बी द टेक द टाइम द 20 पेजेस 10 मिनट्स, यदि 2 टंकन 5 मिनट में जो 2 प्रश्न टाइप कर सकते हैं
तो 10 मिनट में जो 20 पेज टाइप करने के लिए यूनिट कितने टाइम की आवश्यकता होगी, तो इसे देख लेते हैं। इसको देखो 2 × 5 / 2 = 5 / 10 / 20 तो ये हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर है 10। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन देखो, एलसीएम क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ जो 27, 63, 72 जो हमारा 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है, तो लगा लेते हैं। किसी से भी काट लो, स्टार्टिंग से कैसे भी काट सकते हो। तो इसका जो टोटल निकल के आ जाएगा हमारा जो 1512 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 अर्न ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 300 इन द 2 ईयर्स, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 5,000। ये हमारा 5,000 पर दो वर्ष में 300 रुपए ब्याज, साधारण ब्याज बनता है, तो ब्याज की दर बतानी है। तो ए ऑप्शन है हमारा जो 1%, बी ऑप्शन हमारा 3%, सी ऑप्शन हमारा 5%, डी ऑप्शन हमारा 1.7%। तो आई जी कट होता है क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो आर निकालना, बाकी इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू रखिए 300 × 5,000 × 2 × r/100, तो आर निकल का जाएगा 3% इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वेजेस आर 25 मोर देन द श्याम्स, दे आर द कंबाइंड द वेट वीट इज द 325 किलोग्राम, हाउ मच द डज द राम द वेट। राम का वजन जो है श्याम से जो 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों को सम्मिलित भार जो 325 किलोग्राम है, श्याम का भार क्या होगा। तो ए ऑप्शन हमारा 150 किलोग्राम, बी ऑप्शन हमारा 175 किलोग्राम, सी ऑप्शन हमारा जो 200 किलोग्राम और डी ऑप्शन हमारा 125 किलोग्राम। तो आर माइनस, तो राम और श्याम का जो डिफरेंस कितना है 25 का है, और आर प्लस जो श्याम मिल जाते हैं तो कितना हो जाता है 325 हो जाता है। तो एस निकालेंगे, इससे एस निकल के जाएगा 300 / 2 = 150। तो आर कितना हो जाएगा, श्याम कितना हो जाएगा 175। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा ये कितना किसका पूछा, जहां श्याम का पूछा, तो ये हो जाएगा 150 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In 1997, a new ovens the costs 2,500 in the 2,000 of coastal types over the 4,800. What is the percentage increase between the 1997 and the 2000? 1997 में एक ने जो ओवन की कीमत जो 2,500 थी, और 2000 में उसी प्रकार के जो ओवन की कीमत जो है 4,800 हो गई है, और 1997 में 2000 से कितनी बीच में कितनी जो परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है पूछा है। ए ऑप्शन हमारा 12%, बी ऑप्शन हमारा जो 152%, सी ऑप्शन हमारा 192% और डी हमारा 52। तो देखो कितना, 2500 से 4800 हो गया, तो 2500 ये टोटल कितना हो गया, कितना डिफरेंस आया 2300 × 2500 ये आ जाए 92 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एजेस ऑफ द मानु एंड द भरत आर द रेशियो 6:5, रेशियो एंड द सम ऑफ द बोथ इन 44 years, what is the ratio of their are the ages after the 8 years? मनु और भरत की आयु का अनुपात जो 6:5 है, और दोनों की आयु का योग जो 44 है, तो 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो औसत जो उनका क्या बताना है, एवरेज तो क्या बताना है, रेशियो बताना है। सो ये गलती होगी इसमें, यहाँ पे जो ये रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, तो ये आ जाएगा टोटल देखो कितना, हमें ए ऑप्शन हमारा 1:2, बी ऑप्शन हमारा 9:7, बी और सी ऑप्शन हमारा 8:7 जो 7 है, और 10 डी ऑप्शन हमारा 11:10। तो इसमें 24 और 20, तो फिर कितने का डिफरेंस, 11:32 हो गया, इसमें 8 लगाए 28 हो गया, टोटल अनुपात कितना आ गया 8:7, तो इस द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 40% ऑफ द पीपल्स आर सर्टेन आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, 25% फ्रॉम द ईएसपी, दे आर द 10% फ्रॉम द बोथ, व्हाट इज द पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द आइदर द डिजीज। किसी क्षेत्र में 40% किसी व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, 25% जो मिर्गी से पीड़ित है, और 10% जो है प्रतिशत दोनों से पीड़ित है। तो प्रतिशत में कितने लोगों की बीमारी पीड़ित नहीं है, जो पीड़ित नहीं है उनके बारे में बताना। ए ऑप्शन हमारा 30%, बी ऑप्शन हमारा जो 35%, सी ऑप्शन हमारा 40%, डी ऑप्शन हमारा 45%। तो देखो इस तरह से ये देखो बैन आर एक्सिस को इजी हो जाएगा एन डायग्राम से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये जो ये हमारा डायबिटीज है कितने, ये 30 या 40 दिया रखा ना, ये हमारे कितना 25 डिग्री, ये 25% है किसी मिर्गी से। अब देखो दोनों कॉमन कितना है, जो 10% यहाँ पे कितना बचा 10, यहाँ पे 15, तो कितना आ जाएगा 45% इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजम एट द 20% डिस्काउंट इज द 100, फाइंड द एक्चुअल प्राइस। 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत जो 100 रुपए है, इसकी वास्तविक कीमत क्या है। तो ए ऑप्शन हमारे 125 रुपए, बी ऑप्शन हमारे 130 रुपए, सी ऑप्शन हमारा 225, डी ऑप्शन हमारा 330।
तो भाई 80% का कितना हो जाएगा 100, और 100% का 125, तो ये 125 द करेक्ट आंसर है। तो भाई देखो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करो, अपना प्यार ऐसे बनाए रखो, जो बताओ कि भाई किस टॉपिक पे चाहते हो वीडियो, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और जब वीडियो को देखने के लिए भाई ज्यादा ज्यादा और शेयर करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। वीडियो को देखो सब्सक्राइब का बटन कार्य करो, सब्सक्राइब उस पर क्लिक करो और बेल आइकन पर प्रेस करके रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि भाई उनको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, तो कभी कभी यूट्यूब कर देता है कि प्रॉब्लम नहीं पहुंच पाता, तो इस पर ऑल पे क्लिक करके रखो, ये भी आ रहा होगा वीडियो बटन बन के आ रहा होगा घंटा सा, और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से जुड़ जाइए आप टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से भी, जैसे भी, तो सारी चीज़ें वहाँ पे एक बार आपको कर दी जाती हैं, और जो लाइक और शेयर करें इसके तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट।